नमस्कार दोस्तों, मैं YouTube चैनल पे आपको फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, मोटिवेशनल स्टोरी, जिसका नाम है हार के बाद भी जीत। कहानी का नाम है हार के बाद भी जीत। हरीश नाम का एक लड़का था, किसी शहर में रहता था। वो बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता था। वो जो लड़का था बहुत ही गरीब परिवार से, उसके पिता बहुत बचपन में ही गुजर गए, हरीश के जन्म लेने के कुछ साल बाद ही गुजर गए थे। हरीश पढ़ने लिखने में भी उतना तेज नहीं था, लेकिन उसे एक शौक था रेसिंग की, मैराथन का। वो बहुत से ऐसे मैराथन में हिस्सा ले चुका था, पर वो हमेशा हार जाता था, सबसे पीछे आता था। इससे वो बहुत निराश होता था, लेकिन फिर भी उसने हरीश जो था अपना कोशिश नहीं छोड़ा। वो हर मैराथन में बराबर हिस्सा लेते रहा, लेकिन हमेशा उसके साथ ऐसा होता था कि वो बार बार पीछे हो जाता था। एक बार उसे पता चला कि किसी शहर में बहुत बड़े मैराथन की रेस होने वाली है। हरीश को किसी के माध्यम से पता चला कि एक शहर में बहुत बड़ी मैराथन, बहुत बड़ी रेस होने वाली है, जिसमें बड़े बड़े शहर के प्रतियोगी शामिल होंगे। तो हरीश ने सोचा कि क्यों ना मैं भी इसमें भाग लूं। तो हरीश उस मैराथन में हिस्सा लिया। मैराथन जैसे ही शुरू हुई, सब दौड़ने लगे, रेसिंग में दौड़ने लगे, लेकिन हरीश उसमें भी सबसे पीछे पीछे ही था। सब आगे बढ़ते जा रहे थे, वो पीछे। हरीश इतना थक चुका था, इतना हार चुका था कि उससे चला पार नहीं लग रहा था, और वहीं पर बैठ गया। आधे रास्ता में ही वो जमीन पे बैठ गया, लेकिन उसके मन में एक ध्यान आया कि मैंने पहले भी मैराथन में ऐसा ही किया था, जिसके कारण मुझे हार का सामना करना पड़ा। उसे पहले भी ऐसे बहुत से रेसिंग हुई थी जिसमें उसे हार का सामना करना, तो उसने सोचा मैं दौड़ नहीं सकता, कम से कम चल तो सकता हूँ, धीरे धीरे ही सही, लेकिन मैं तो चल तो सकता हूँ। वो खड़ा हो गया, उठ गया और धीरे धीरे चलने लगा। आगे कुछ ही कदम चला था, वो लड़खड़ा कर गिर गया। लड़खड़ा के गिरने का कारण ये है कि उसके पैर का जो मांसपेशी में खिंचाव आ गया था। वो बहुत थक चुका था, लेकिन फिर भी उसे पहले वाली रेस की याद आ गई। बोली, पहले मैंने जो गलती किया था वो गलती मैं दोबारा नहीं करना चाहता हूँ। वो उठा, फिर से धीरे 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 चलना स्टार्ट किया, लेकिन उसके साथ जो प्रतियोगी थे वो बहुत काफ़ी दूर निकल चुके थे, मैराथन के काफ़ी दूर निकल चुके थे। वो लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे थे। तो हरीश बहुत निराश हो चुका था, अब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, लेकिन उसके मन में एक जज्बा था, एक जुनून था कि मैं ये रेस पूरा कर सकता हूँ, मैराथन का दूर रेस पूरा कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे चलते चलते वो अचानक दौड़ने लगा तेजी से, और उसके अंदर एक बहुत अचानक सा आत्मविश्वास आ गया कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। वो दौड़ने लगा धीरे धीरे, जो प्रतियोगिता आगे निकले हुए थे उसको पछाड़ते हुए हरीश जो था सबसे आगे निकल गया और नंबर वन रैंक पे आया। उससे बहुत सारे पुरस्कार मिले, ट्रॉफी मिली। दोस्तों, ये ऐसी घटना हम लोगों के साथ होती है। हम लोग कोई बिजनेस या कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, तो करते तो सोचते हैं कि करेंगे, लेकिन बाद में सोचने से पहले दिमाग में ये आने लगता है ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे हो नहीं पाएगा, चलेगा नहीं, बिजनेस डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे। अगर हम लोग किसी चीज़ को अंजाम देने से पहले हैं हार मान लें, तो हमें असफलता का ही सामना करना पड़ेगा। हम भी इसी तरह की हरीश की तरह ही गलती कर बैठते हैं, जिसके कारण हमें असफलता का सामना करना, हमको अपने अंदर एक जुनून, एक आत्मविश्वास, एक संयम रखना पड़ेगा, जिससे हमें सफलता मिलेगी। यानी बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, मेरे ही आसपास ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं, कोई बिजनेस खोलते हैं, कोई बिजनेस खोलते हैं, वो हमसे या किसी से, अपने दोस्त से, अपने रिश्तेदार से, जो भी है इको फ्रेंडली जो भी है, उससे बात करते हैं, यार बिजनेस नहीं चल रहा है, हमको लगता है
ये बिजनेस हमें बंद करना पड़ेगा। अरे यार कम से कम कुछ दिन तो ठहरो, कुछ दिन रुकोगे, समझोगे, देखोगे, माहौल देखोगे। असफलता ही सफलता की कुंजी है, इसीलिए मुझे कभी हम मुझे और आप सबको कभी हार नहीं मानना चाहिए। परिस्थिति जैसी भी हो, हमारी परिस्थिति जैसे भी हो, उसे हमें डट कर सामना करना चाहिए। क्योंकि कभी होता है हमारी ज़िंदगी में कभी ऐसा मोड़ आ जाता है जिसका सामना करने का हिम्मत हम लोगों के अंदर नहीं होता, जिसका सामना करने का हिम्मत हम लोगों के पास नहीं होता है। लेकिन उस समय ऐसे सिचुएशन में हम निराश हो जाएं तो हमें असफलता का ही सामना करना पड़ेगा, ना कि सफलता का। इसलिए ऐसे सिचुएशन में हमें संयम से काम लेना चाहिए, अपने अंदर एक आत्मविश्वास लगाना चाहिए कि हम इससे, इस दुख की घड़ी से उबर सकते हैं और हमसे ये काम हो सकता है। नमस्कार भाई।